वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो आज मेरा कॉलेज का फर्स्ट डे है और मैं लेट हो चुकी हूँ, मतलब फर्स्ट डे ही मैं लेट हो गई। 9:30 का टाइम था और 9:50 हो चुकी है। सो अभी कॉलेज के अंदर एंट्री ले रहे हैं और देखते हैं कि क्या होता है आज। वैसे हमारा ओरिएंटेशन है आज, हमारी कोई क्लास नहीं होगी। सो लेट्स सी कैसे क्या होता है। वैसे कोई दिख नहीं रहा मुझे, तो अजीब भी लग रहा है काफ़ी, अजीब लग रहा है मुझे, कोई दिख नहीं रहा। मुझे लग रहा है कहीं मैं गलत डे तो नहीं आ गई। वैसे आज 20 है और 20 को ही बुलाया था, पर पता नहीं क्या सीन है। Coming from school to college, right? Questions in mind, क्या होगा, कैसे करेंगे, कैसे जाएंगे। स्कूल में ये चीजें थी, वहां पे प्रोफेसर्स कैसे होंगे। हो चुके खत्म और अब मैंने ये अपने आई कार्ड के लिए ना फॉर्म फिल करके दे दिए लोगों को, तो अभी उसको सबमिट कराते हैं। सो गाइस, इस मोमेंट को देख के ना जो कॉलेज रोमांस की सीरीज़ है मुझे पूरी वो याद आ गई थी। सो गाइस, अभी हमारा ओरिएंटेशन ख़त्म हो चुका है और अभी मैं बाहर आई हूँ और ना बड़ा अच्छा लग रहा है कॉलेज में, मतलब बच्चे इधर उधर, और मेरा तो कोई दोस्त है नहीं। मतलब कुछ अलग कहानी है कि मैंने इस कॉलेज में एडमिशन क्यों लिया, उसके पीछे की जो बैक स्टोरी है वो मैं कभी और बताऊँगी या फिर इसी वीडियो में बाद में बता दूँगी मैं क्यों इस कॉलेज में मैंने चूज़ किया था और क्या रीज़न था। अभी ना हमें 20 रुपये का कूपन मिला है यहाँ पे रिफ्रेशमेंट के तौर पे, तो अभी कैंटीन में जाके वो भी देखेंगे। बताओ कितने अजीब है, 20 रुपये का दिया, क्या भी आएगा 20 रुपये में, तो यही सोच रही हूँ। और अभी मेरा कोई फ्रेंड है नहीं और मैं बच्चों से मतलब ऐसे थोड़ा इंट्रोवर्ट हो जाता है यार, बात नहीं कर पाती हूँ, तो वो भी ज़्यादा ही कुछ नहीं। अभी मिली थी एक लड़की, उसने मुझसे थोड़ी बहुत बात की थी पर इतना नहीं। अभी देखते हैं, कोई मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर अकेले ही है भाई, हम तो अकेले वाले बच्चे हो रखे हैं अभी। और मुझे थोड़ी शर्म भी आ रही है व्लॉगिंग करने में, इसलिए मेरा एंगल थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। रिफ्रेशमेंट भी खा ली है, एक समोसा मिला था हमें तो हमने वो खा लिया। अभी देखो मेरे ना कॉलेज टाइम पर पता नहीं क्या मेरे पिम्पल हो गए, यहाँ पर भी और सर पर भी, हमेशा पता नहीं क्यों। अगर मैं किसी आजकल अच्छी जगह पे जा रही हूँ, जैसे कोई फंक्शन हो गया, कोई वेडिंग हो गई या कुछ भी, तो ना मेरे ऐसे पिंपल हो जा रहा है। सो अभी मैं देखती हूँ कॉलेज कैसा है। वैसे इसका ना, वैसे मोस्टली लोग यही बोलते हैं कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, और रियली इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। मैं भी आपको दिखाती हूँ कि कैसा है, और लोग ना यहाँ पर बैठे हुए हैं अपनी गल्ला बत्ता कर रहे हैं और मुझे शर्म आ रही है। सुन लिया, और मुझे शर्म आ रही है। सो अभी तो थोड़ा कॉलेज घूम रही हूँ अकेले ही, अच्छा नहीं लग रहा वैसे अकेले घूमना, पर घूम लेते हैं। गुरुद्वारा है यहाँ पे, मैम ने बोला था अगर आपका कभी मन करे पीस शांति के लिए तो आप यहाँ पे जा सकते हो, और यहाँ पे एंट्री मतलब होगी। मैंने तो शूज़ पहने हुए हैं तो मैं तो अभी नहीं जाऊँगी, जाऊँगी कभी, अब तो यहीं रहना है, मतलब यहीं पे एडमिशन हो चुका है तो जाएंगे कभी। समझ नहीं आ रहा था ये क्या है, फिर बाद में मुझे याद आया मैम ने बोला था हमारे कॉलेज में गुरुद्वारा भी है, तो वही ये गुरुद्वारा जी है, मतलब गुरुद्वारा जी है। यस, जय जय कर लो के लिए, इतनी अच्छी अच्छी जगह है ना, मतलब इतना अच्छा बैकग्राउंड है। और यहाँ पर मेरे पीछे देखो दिख रहा है, वो भी फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, पीछे भी फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। मेरा कोई दोस्त ही नहीं है, मेरी कोई जान पहचान ही नहीं है, तो मैं किससे क्या ही फ़ोटो खिंचवाऊँ। सो गाइस, अभी मैं आके यहाँ पे बैठ चुकी हूँ, कोई नहीं था यहाँ, खाली पड़ा हुआ है, तो और मैं भी अकेली हूँ, कोई मेरा दोस्त है नहीं, मैं ज़्यादा किसी पर ध्यान भी नहीं दे रही, ज़्यादा किसी से बात तो दूर की बात है, तो पता नहीं मेरे दोस्त बनेंगे कि नहीं, मैं तो इसी डाउट में हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा बनने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से मेरी हरकतें दिख रही है, मतलब किसी से कुछ बोल ही नहीं रही मैं,
तो कैसे बनेंगे दोस्त, तो ये चीज़ें भी सोच रहे हो और लोग मुझे पागल समझ रहे होंगे कि अकेले बैठ के पोर्ट्रेट मोड में किससे बात कर रही है, तो मैं यूट्यूब से बात कर रही हूँ। अगर इस कॉलेज काफ़ी अच्छा है वैसे, और बिकॉज मैं और मेरी फ्रेंड हम दोनों ही इस कॉलेज में एडमिशन लेने वाले थे, बट अनफॉर्चुनेटली उसका कोई इशू हो गया, तो इसलिए मैं थोड़ी सी अपसेट हूँ, क्योंकि मतलब यही मोटिव था कि हम दोनों साथ में जाएंगे, साथ में सब कुछ होगा, लेकिन वो चीज़ हुई नहीं, तो दुख हो रहा है थोड़ा सा इस बात के लिए, पर कोई बात नहीं। होगी मैंने क्यों एडमिशन लिया, क्या मोटिव था कॉलेज में एडमिशन लेने का इस, वरना मुझे पता भी नहीं था। वैसे काफ़ी अच्छा कॉलेज है ये भी। फिर अभी मैं देखती हूँ क्या करना है। वैसे हमारा ख़त्म हो चुका है, हमें घर जाना है, लेकिन मैं सोच रही हूँ नहीं यार, थोड़ा टाइम वेस्ट कर ही लेती हूँ यहाँ पे, है ना, जब निकले ये घर से तो टाइम वेस्ट कर ही लेते हैं, तो टाइम वेस्ट करने के बाद हम घर पर जाएंगे। यहाँ पे गुरुद्वारे में मत्था टेक कर आ रहे हैं, मैं भी सोच रही हूँ देख कर आऊँ, लेकिन नहीं, अब तो कंटिन्यू आना है। और कल से मेरी 31st तक रेगुलर क्लासेस है, 21st to 31st December, तो रेगुलर क्लासेस भी देनी है। मैं तो सोच रही हूँ रोज आना पड़ेगा यार यहाँ पे, कोई बात नहीं आ जाएंगे। चलो फिर मैं आपको बाद में मिलती हूँ, बकवास तो मैं कर ही रही हूँ बहुत ज़्यादा, कुछ दिखा भी दूँगी। गाइस मैं काफ़ी ज़्यादा बोर हो रही हूँ, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, और मैं सोच रही हूँ कि मैं अभी यहाँ से घर निकल जाऊँ, लेकिन मैंने अभी अपनी फ्रेंड दिव्यांशी को फ़ोन करा है, मतलब अब कोई है नहीं, मतलब बात भी तो हम उसी से ही करेंगे ना, तो मैं वेट कर रही हूँ उसके कॉल का, वरना मैं अभी बाहर निकलने वाली थी कि चलो अब घर चलते हैं, बहुत हो गया कि कुछ है ही नहीं यहाँ पे, फील नहीं आ रहा इतना, क्योंकि मैं अकेली हूँ, मतलब अकेली भी ऐसा भी नहीं कि साथ में कोई भी हो, अच्छा दोस्त हो ना, मतलब जिससे तुम ज़्यादा अटैच हो, समझ रहे होंगे मेरी बात थोड़ी थोड़ी सी।